उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कृषि विभाग के कार्यों की समीक्षा की। गोरखपुर के NIC सभागार में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में संयुक्त कृषि निदेशक, उप कृषि निदेशक, जिला कृषि अधिकारी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने निर्देश दिए कि किसी भी हालत में खेतों में पराली नहीं जलनी चाहिए, इसलिए इसके अलावा किसानों को समय से खाद बीज उपलब्ध हो तथा उन्हें कृषि की नई तकनीकों की जानकारी दी जाए। इसके अलावा कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों को कोई भी समस्या न उत्पन्न हो और उनकी उपज की दुगनी आमदनी के लिए भी सभी अधिकारी हर संभव प्रयास करें। कोई प्रभाव नहीं पड़ता और अच्छी पैदावार आती है और पानी भी आप 2-3 पानी दे सकते हैं सर। लेकिन यहाँ जो बुंदेलखंड इलाका है, झांसी के आसपास का इलाका है, ये बाकी एक नई वैरायटी आई है HD 4728 ड्यूरम की वैरायटी है, उस एरिया के लिए उसको भी लगा सकते हैं। एक तो कम पानी वाली ड्यूरम की वैरायटी आई है, उसमें बड़ा हाई बीटा कर्व DDW 47, उसको पानी भी कम चाहिए और उसकी बड़ी हाई बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन का मतलब है जो आंखों के लिए विटामिन ए चाहिए उसमें भरपूर है। मार्केट में है वो तो कलर मिला के बनता है, लेकिन इसमें ऑटोमेटिकली है अच्छा मिलेगा बाजार। तो ये है बुंदेलखंड इलाके की वैरायटी। तो कुछ लंबी वैरायटी है जैसे 2967 है, थोड़ी ज्यादा है लेकिन वो गिरती भी नहीं है। 3086 है वो भी नहीं गिरती है। 187 जो नहीं आई है वो भी नहीं गिरती है। बुवाई बिजाई वाली वैरायटी को अगर आप देर से लगाओगे तो उनकी यील्ड कम आती, क्योंकि जो देर से बिजाई वाली वैरायटीज हैं उनमें हम ये चीज देखते हैं कि वो बहुत तेजी से पैदावार करें और बाद में क्योंकि देरी से पकती हैं वो, तो उनमें क्षमता होनी चाहिए गर्मी को सहन करने की जो बाद में गर्मी आती है। तो जो लेट सोन वैरायटीज हैं, देर से बुआई वाली है, वो देर से बुआई वाली में ही है, ना उनको पहले लगाएं ना कम पानी वाले में लगाएं। जो ये नई वैरायटीज मैंने बताई हैं, ये रतुआ से भी प्रतिरोधी है, करनाल बंट से भी प्रतिरोधी है और एक लीफ ब्लाइट है फंड झुलसा जिसमें पत्तियां सूख जाती हैं उससे भी प्रतिरोधी है ये वैरायटीज। तो अगले साल से इनको जरूर लगाएं और इस साल सीट अगर मिल जाता है तो इस साल जरूर लगाएं। जैसे इन्होंने बताया कि आपको सीट मिल जाएगा जो इनके भंडार है। बीच स्पूरियस सीट बेचते हैं लोग, नाम बताते हैं किसानों को, कुछ और वैरायटी भर के कुछ और दे देते हैं। तो कृपया सिर्फ सरकारी एजेंसी से ही बीज खरीदें। दूसरी क्या करना है, कैसे करना है वो थोड़ा बताएं। जी जी, तो जो इस टाइम बुवाई का समय है, समय से बिजाई का समय, वो 20 के बाद समय से बिजाई वाली वैरायटीज ना बोएं। दूसरा ये उनके उनमें नमी थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट ये है, जैसे आपने बताया कि कस ये ट्रेड डाले, हम ये क्यों नहीं कहें कि लाइन से ही करें। हाँ, लाइन से करें, अगर लाइन से लागत भी घटती है से तो करें, लाइन से ही करें तो सबसे ज्यादा ये जाएगी। हाँ, तो वो ये रेट बढ़ा दे। ये है कि 21 दिन में आप पानी जरूर लगा दें, क्योंकि वो मैक्सिमम और मिनिमम मिला दें। उससे पहले अगर ज्यादा है टेम्परेचर तो बिजाई नहीं करनी चाहिए, फुटाव कम होता है,